हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 26 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 अगस्त 2019 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो इस ईबुक को परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपको परचेज करने के बाद ये बुक नहीं मिल पाती है इन केस, तो आप लोग स्क्रीनशॉट के साथ मुझे मेल कर दीजिएगा ट्रांजैक्शन के, तो मैं आपको दोबारा भेज दूंगा। बात करते हैं अब लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था दोस्तों, 20वां एशियाई खेल का आयोजन कब किया जाएगा। तो 20वें एशियाई खेल का आयोजन कब किया जाना है, 2026 में, ठीक है। फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट्स की सूची में पीवी सिंधु किस स्थान पर हैं। तो दोस्तों, फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट्स की सूची में पीवी सिंधु का स्थान था 13वां। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी। तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप दोस्तों पीवी सिंधु ने आखिरकार जीत लिया है। पीवी सिंधु ने नाजोमी ओकुहारा को हरा करके जीत लिया है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, और ये जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी है, ठीक है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से ये सिल्वर जीत रही थी, यानी कि फाइनल में आकर हार जा रही थी 2017 में 2018 में, लेकिन इस बार फाइनली इन्होंने आखिरकार जीत लिया वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। इन्होंने दोस्तों इसके लिए जापान की नाजोमी ओकुहारा को हराया। किसको? नाजोमी ओकुहारा को, ठीक है। अच्छा, ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ कहाँ? ये हुआ दोस्तों बासेल स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के बासेल में। अब आई हैं पीवी सिंधु, तो हम लोग पीवी सिंधु के बारे में सारी जानकारियाँ जानेंगे। तो दोस्तों, पीवी सिंधु है कहाँ की? तो ये हैं हैदराबाद की, तेलंगाना की। ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इनके कोच का नाम है पुलेला गोपीचंद। इनके करियर पर अगर हम लोग फोकस करें तो रियो ओलंपिक जो हुआ था 2016 में, उसमें इन्होंने जीता सिल्वर मेडल, ठीक है। उसके बाद 2019 में सबसे बड़ा इनका जो रहा, ये रहा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, सबसे बड़ी अचीवमेंट, जिसमें इन्होंने गोल्ड जीता है इस बार, ठीक है, 2019 में ही। 2018 में एशियन गेम्स हुआ था, कहाँ पर हुआ था? जकार्ता पालमबर्ग में, इंडोनेशिया में। उसमें भी इन्होंने सिल्वर जीता था। 2018 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ, उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2018 का, उसमें सिंगल्स में इन्होंने सिल्वर जीता, लेकिन मिक्स्ड में इन्होंने गोल्ड जीता था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कौन सा खेल कहाँ पर आयोजित होने वाला है, इसके लिए मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो दी हुई है, जिसमें मैंने लगभग 40 खेलों को कवर कराया है कि इसका कौन सा संस्करण होने वाला है, कौन सा आयोजन होगा, कहाँ पर आयोजन होगा, कौन से वर्ष में होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो वीडियो देखने के बाद आप इन 40 टूर्नामेंट को याद रख सकते हो कि आने वाले दिनों में कब होगा, कहाँ होगा, कौन सा संस्करण होगा। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको अपकमिंग टूर्नामेंट्स मिश्रा जी टेक्निकल लिखना है यूट्यूब पर, आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में 2019 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस कौन है। तो फोर्ब्स की लिस्ट आई है दोस्तों, जिसमें एक्ट्रेस की लिस्ट है ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले की 2019 में, ठीक है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक्टर्स की लिस्ट बताया था, ये एक्ट्रेस की है, यानी अभिनेत्रियों की है, ठीक है। तो फोर्ब्स ने एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी की है, जिसमें टॉप पर हैं दोस्तों स्कारलेट योहानसन। कौन है? स्कारलेट योहानसन। पिछली बार भी ये टॉप पर ही थी। इनकी कमाई बताई गई है पिछले साल में $56 मिलियन। कितना? $56 मिलियन। कमाई वैसे पूछी नहीं जाती है, हम लोग फालतू में बात कर लेते हैं इसका। सेकेंड पर हैं सोफिया वर्गेरा। और सबसे बड़ी बात है ये दोस्तों कि इस बार की फोर्ब्स द्वारा जो जारी की गई है लिस्ट, इसमें इंडिया की दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा का नाम नहीं है, ठीक है। पिछली बार जब हुआ करता था तब इन दोनों में से किसी ना किसी का नाम हुआ करता था, या तो दोनों का नाम होता था, लेकिन आप जानते ही हैं दीपिका पादुकोण की मूवी कोई नहीं आई है पद्मावत के बाद, और प्रियंका चोपड़ा भी काफ़ी दिनों से बॉलीवुड से दूर चल रही हैं, तो इस वजह से इनकी कमाई बहुत कम है, और इस वजह से इन दोनों की लिस्ट में नाम नहीं है इस बार, ठीक है। तो इस बार इंडिया की किसी भी एक्ट्रेस का लिस्ट में नाम नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग फोर्ब्स द्वारा जो जारी किए गए हैं पिछले कुछ दिनों में लिस्ट, उनके बारे में रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसी से रिलेटेड हम लोग एक्टर्स की लिस्ट देख लेते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक्टर्स की लिस्ट आई थी जिसमें ड्वेन जॉनसन, जिनको हम लोग रॉक के नाम से जानते हैं, वो थे फर्स्ट नंबर पर फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में, और इंडिया के अक्षय कुमार थे चौथे नंबर पर, ठीक है। अब दोस्तों, अगर हम लोग और पीछे जाएँ तो उससे पहले आई थी सेलिब्रिटी की लिस्ट।
सेलिब्रिटी की लिस्ट में टेलर स्विफ्ट थी फर्स्ट पोजीशन पर, और उसमें अक्षय कुमार थे 33वें नंबर पर। किस नंबर पर? 33वें नंबर पर थे अक्षय कुमार, ठीक है। और उससे भी पहले जाएं तो आई थी एथलीट की लिस्ट फोर्ब्स की, और एथलीट की लिस्ट में सेरेना विलियम्स लगातार चौथी बार टॉप पर बनी थी, और इंडिया की पीवी सिंधु आई थी 13वें नंबर पर। तो ये थे फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट कुछ पिछले कुछ दिनों में, ठीक है। आप लोग जब भी आए तो रिवाइज ज़रूर कर लिया करो, और अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो आपको तो ये याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई के नए नियम के अनुसार आरटीजीएस प्रणाली द्वारा लेन देन कितने बजे सुबह से अब कर सकते हैं। तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया नियम जारी किया है दोस्तों, जिसके तहत आरटीजीएस का जो सिस्टम होगा उससे जो ट्रांजेक्शन करना होगा वो अब और पहले किया जा सकेगा। पहले 8 बजे होता था, लेकिन अब 1 घंटा पहले यानी 7 बजे सुबह से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। आरटीजीएस से आप लोग ट्रांजेक्शन 7 बजे सुबह से ही कर सकते हैं। कब से? आज से, 26 अगस्त से दोस्तों 7 बजे के बाद से होने लगेगा ट्रांजेक्शन। आपको बता दें कि ये सुबह में 8 बजे से 6 बजे तक चला करता था, लेकिन अब सुबह में 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ट्रांजेक्शन चला करेगा, ठीक है। अब आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस भी दोस्तों एक प्रकार डिजिटल ट्रांजेक्शन सिस्टम है, एक प्रकार है डिजिटल ट्रांजेक्शन करने का। इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसके लिए आरबीआई ने नया नियम जारी किया है कि अब लोग सुबह 7 बजे से ही आरटीजीएस के तहत आरटीजीएस की मदद से अपना डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऐसा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया है, ठीक है। 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अब आया है आरबीआई, तो हम लोग आरबीआई के बारे में जानेंगे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, ठीक है। यही मुद्रा छापता है, मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास है। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, और इसके पहले गवर्नर बने थे दोस्तों ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। और अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर बने सी डी देशमुख। कौन? सी डी देशमुख। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक के एकल उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो अभी हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने दोस्तों प्लास्टिक के जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक होते हैं उस पर बैन लगा दिया है। बिहार राज्य सरकार ने घोषणा की है दोस्तों कि पूरे बिहार में जितने भी कैरी बैग जो सिंगल यूजेज वाले होते हैं प्लास्टिक के, उन पर बैन लगा दिया गया, ठीक है। इसके तहत इन्होंने कई फैक्ट्रीज़ के लाइसेंस भी रद्द किए हैं। तो देखना है अब इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। वैसे हमारे यूपी में भी तो बैन है बहुत दिन से, लेकिन सब लोग अभी भी चला रहे हैं। तो बिहार आया है तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है पटना, राज्यपाल हैं फागू चौहान। राज्यपाल अभी नए नियुक्त हुए हैं, जब ये गवर्नर नियुक्त हुए थे इनके साथ ही 10 और गवर्नर नियुक्त हुए थे, तो उस पर मैंने आपको वीडियो दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो न्यू गवर्नर मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके यूट्यूब पर वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों जैसे ही कोई नया पॉइंट आता है, जो ट्रेंडिंग पॉइंट रहता है, ट्रेंडिंग मुद्दा रहता है, उस पर मैं आपको वीडियो देता हूँ। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में आकर सारी वीडियोज़ को देख लिया करो। चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। इस चैनल पर दोस्तों लगभग 700 वीडियोज़ हो चुके हैं। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाया करो, वहाँ पर ज़रूर आपको कोई ना कोई ऐसा चीज़ मिल जाएगा, ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। नीतीश कुमार हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, देख लेते हैं किसी के से अपना ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो बिहार दोस्तों ये शेयर करता है पश्चिम बंगाल से, इधर उत्तर प्रदेश से, नीचे झारखंड से, ये अलग ही हुआ था, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मूडीज़ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर कितना किया? तो मूडीज़ ने अभी हाल ही में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटा दिया है, और अब कर दिया है 6.2%। पहले मूडीज़ ने अनुमान लगाया था 6.8% का, लेकिन अब इंडिया की जीडीपी ये बता रहे हैं 2019 में 6.2% होगी, ठीक है। तो 2019 का इन्होंने बताया 6.2%, और इन्होंने 2020 का भी अनुमान लगाया है इंडिया की जीडीपी की, तो इंडिया की जीडीपी इन्होंने बताया है कि 6.7% हो सकती है, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया है मूडीज़ ने, क्लियर है। अच्छा, अब जीडीपी क्या है? जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब डोमेस्टिक आया है क्योंकि भारत सरकार की बात हो रही है, पूरे भारत की बात हो रही है, तो हम लोग डोमेस्टिक यानी घरेलू का मतलब समझेंगे पूरे भारत को, क्लियर है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब यही होता है दोस्तों कि पूरे भारत के अंतर्गत जितने भी वस्तुओं का, सेवाओं का, प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है एक वित्तीय वर्ष में,
उसे ही हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, उसके सकल मान को यानी कि ग्रॉस वैल्यू को कहते हैं हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एक लाइन में समझते हैं, किसी एक वित्तीय वर्ष में पूरे भारत के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसे हम लोग कहते हैं GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। समझाने का मतलब मकसद यही था दोस्तों, जिससे आपको समझ में आ जाए कि GDP क्या होता है। अगर मैं आपको एक लाइन में परिभाषा बता के आगे निकल जाता तब आप लोग भूल जाते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्टूबर 2019 में भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों अक्टूबर 2019 में भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना है नई दिल्ली में, और इसमें दोस्तों इसकी अध्यक्षता करेंगी सानिया मिर्जा और शेख हसीना। शेख हसीना है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर और सानिया मिर्जा है टेनिस स्टार, आपको पता ही है, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले की वीडियो में आपको बताया भी था कि शेख हसीना आने वाली हैं अक्टूबर में इंडिया का दौरा करने, तो वो इसकी अध्यक्षता करेंगी भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन की भी यहीं पर, ठीक है। तो ये दोनों को प्रेसिडेंट होंगे, सानिया मिर्जा और शेख हसीना, क्लियर है। दो दिनों का ये सम्मेलन होने वाला है, दो दिवसीय ये सम्मेलन होगा, और इसको WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन दोनों के सहयोग से ये आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो अब नई दिल्ली में ये आयोजित होना है भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट बात करते हैं, AI डिजिटल लैब स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया है जो कि है हैदराबाद में, AI डिजिटल लैब को स्थापित करने के लिए। दो पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट यही है कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है कहाँ पर, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है क्योंकि ये इकलौता स्कूल है पूरे इंडिया का, तो ये है हैदराबाद में, याद रखिएगा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, हैदराबाद में। तो यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट ने AI डिजिटल लैब को स्थापित करने के लिए इससे समझौता किया है ISB के साथ, ठीक है। और इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी शुरू किया है, उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम रखा है दोस्तों लीडिंग बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इन द एज ऑफ AI, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो लीडिंग बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इन द एज ऑफ AI नाम से एक प्रोग्राम भी इसी के साथ शुरू किया गया है, क्लियर है। अब AI का मतलब आप लोग समझ लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में डिजिटली बढ़ने के लिए ही ISB के साथ समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जिससे वो अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सके, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आया है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, बिल गेट्स की ये कंपनी है, बिल गेट्स इसके फाउंडर हैं, अमेरिका की ये कंपनी है। हम लोग फोकस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया पर, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों अनंत माहेश्वरी, उन्होंने ही इस डील पर साइन की है। कौन है? अनंत माहेश्वरी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने भारत के किस प्रसिद्ध स्थल को अपनी लिस्ट में शामिल किया? तो अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने दोस्तों दो प्रसिद्ध स्थल जो कि इंडिया के हैं उनको अपनी लिस्ट में शामिल किया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सोहो हाउस, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता होगा गुजरात में है, सोहो हाउस है दोस्तों मुंबई में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में क्वेश्चन आपसे बन सकता है क्योंकि पिछली बार 31 अक्टूबर को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है उसी दिन मनाया जाता है एकता दिवस, और उसी दिन इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था इनके सम्मान में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कितनी ऊंचाई है? 182 मीटर की, ठीक है। 3000 करोड़ की लागत से ये बनाई गई थी गुजरात में। सोहो हाउस की बात करते हैं, सोहो हाउस है मुंबई में, ओके। तो टाइम मैगजीन ने अभी हाल ही में अपनी लिस्ट जारी की है प्रसिद्ध स्थलों की, जिसमें इंडिया के दो प्रसिद्ध स्थल शामिल किए गए हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सोहो हाउस, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में सूडान के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? तो अभी हाल ही में सूडान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं दोस्तों अब्दुल्ला हमदोक। कौन? अब्दुल्ला हमदोक। अब दोस्तों सूडान में एक बार फिर से तख्ता पलट हो गया है, ठीक है। तख्ता पलट का क्या मतलब? पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। अब इससे पहले क्या था? इससे पहले उमर अल बशीर थे सूडान के प्रेसिडेंट, तो उनकी एक काउंसिल चलती थी जो कि 1989 से ही चलती थी। क्या नाम था? ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल,
तो उस ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल को समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह पर नई सेवरेन काउंसिल लॉन्च किया गया है। क्या शुरू किया गया है? नई सेवरेन काउंसिल लाया गया है सूडान में और अब वहाँ के प्रधानमंत्री हेड होंगे। ठीक है, तो अब्दुल्ला हमदोग बन गए हैं वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है, मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, TMC पहले चलता था 1989 से, उमर अल बसीर थे तब प्रेसिडेंट, लेकिन तख्ता पलट एक बार फिर से हुआ और अब वहाँ पर लाई गई सेवरेन काउंसिल और सेवरेन काउंसिल में अब अब्दुल्ला हमदोग बन गए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है, सूडान आया है तो मैप में देख लीजिए, ये रहा सूडान, खारतूम है यहाँ की राजधानी और यहाँ की करेंसी होती है सूडानिस पाउंड और यहाँ की संसद का नाम है ट्रांजिशनल असेंबली। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पानी पर चलने वाले कितने कीटों की प्रजातियाँ खोजी? तो अभी हाल ही में भारत प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोस्तों यहाँ के वैज्ञानिकों ने पानी पर चलने वाले 7 प्रकार के 7 कीटों की प्रजातियाँ खोजी हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा और इनकी खासियत ये है कि ये पानी के ऊपर चलती हैं। ठीक है, पानी की सतह पर ये रेंगती हैं या चलती हैं, ये 7ों प्रजातियाँ। क्लियर है ना, इन 7ों प्रजातियों का नाम बताने का कोई मतलब नहीं है। आ जाते हैं भारत प्राणी सर्वेक्षण पर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1916 में कोलकाता में है इसका हेडक्वार्टर और इसके डायरेक्टर हैं करेंट टाइम पर डॉक्टर कैलाश चंद्र। कौन है? डॉक्टर कैलाश चंद्रन है इसके करंट टाइम पर डायरेक्टर। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोग दोस्तों आजकल शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को देखा करो तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आज वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना, रोज़ाना लगभग 10,000 के आसपास ही व्यू रह जाता है, तो जितनी ऑडियंस है पहले थी उतनी ही अभी भी है, तो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, आप लोग देखने के बाद शेयर जरूर कर दिया करो। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने वृद्ध लोगों के लिए केयर फॉर यू नामक ऐप तैयार किया? तो अभी दोस्तों कल मैंने आपको वीकली करंट अफेयर की क्विज दी, 3rd वीक की, अगस्त मंथ का, तो उसमें ये क्वेश्चन था, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोग इसे ज़रूर कर लेंगे। तो आप लोग वीकली करंट अफेयर को अगर नहीं रिवाइज़ किए हो तो उसको आप लोग ज़रूर रिवाइज़ कर लो। वीडियो अपलोड हो चुकी है तो आप लोग चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा देश G7 समूह का हिस्सा नहीं है? अभी कल मैंने G7 समूह के 7ों देशों का नाम आपको बताया था, तो आप लोग दोनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से करो। अब बात करते हैं हम लोग उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके डिटेल में आंसर किए थे। तो उनके नाम हैं दिलीप सेठी, सौरभ कुमार, मनीषा राजपूत, राकेश ढाका, मधु स्मिता, योगेश सिंह, कृष्ण कुमार, अभय कुमार, सुजीत कुमार, रविशंकर, निरंजन कुमार और दीपिका गौतम। तो आप लोग डिटेल में आंसर करने के साथ साथ करेक्ट आंसर भी किया करो। कुछ लोग डिटेल में आंसर तो कर देते हैं लेकिन उनका जो मेन आंसर रहता है वो रॉन्ग रहता है। तो बस दोस्तों फिलहाल इतना ही, वीडियो में सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इसकी PDF फाइल मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ से आप लोग PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।